मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गो टीचर लव। टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर मैथ सब्जेक्ट इन स्टैंडर्ड फोर्थ। योर चैप्टर फोर्थ इज टिक टिक टिक। तो लास्ट वीडियो में हमने पेज नंबर 50 तक देखा था, आज देखेंगे पेज नंबर 51। तो क्या है, नाउ कैन यू टेल व्हाई 24 आवर क्लॉक इज ओल्ड। सो तो क्या है कि सपोज अ ट्रेन लीव्स 8:30 एट नाइट। ट्रेन कब लीव्स होती है? 8:30। द टाइम रिटर्न ऑन द रेलवे टिकट वुड बी, चलो 8:30 है तो 12 आवर की क्लॉक में कैसे हम लिखते हैं 8:30, तो 24 में क्या होगा, 12 में 8 ऐड होगा कि नहीं, तो 20:30 होगा। कितना होगा? 20:30। तो ये टाइम को हम कैसे लिख सकते हैं, 20 एंड 30। तो इन अ 12 आवर क्लॉक इच टाइम कम्स ट्वाइस इन अ डे। 5:30 इन द मॉर्निंग इज 5:30 AM एंड इवनिंग होता है तो 5:30 इन द इवनिंग इज PM। तो चलो मॉर्निंग में हम कैसे लिखते हैं AM एंड इवनिंग में क्या लिखते हैं PM। तो व्हाट अबाउट 12:30 इन द आफ्टरनून, तो आफ्टरनून में 12:30 का क्या आएगा, PM आएगा कि AM, तो दैट इज 12:30 PM। क्या आएगा, 12:30 आफ्टरनून में होगा यानी कि PM। आफ्टर 12 o'clock एट नून वी यूज PM टिल midnight। midnight में भी क्या यूज होता क्या है कि एज नून वी यूज PM टिल midnight। तो यू मस्ट हैव नोटेड द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। तो देखते हैं कि राइट हर यूजिंग AM एंड PM द टाइम ऑफ सनराइज। तो क्या है सनराइज का टाइम, 6:46 AM एंड टाइम ऑफ सनसेट, सनसेट का टाइम कब है, 6:21 PM। तो देखते हैं 24 आवर क्लॉक कैसा यूज होता है। तो वेयर हैव यू सीन अ 24 आवर क्लॉक बीइंग यूज्ड, तो क्या है इन एयरपोर्ट टाइम टेबल में भी यूज करते हैं, इन रेलवे टाइम टेबल में भी 24 आवर क्लॉक का ही यूज होता है एंड इन बस टाइम टेबल में भी 24 आवर क्लॉक का यूज होता है। एक्सरसाइज देखते हैं, तो एक्सरसाइज ये सारे के बारे में आप जानते हो, देख लेते हैं एक बार कि डू यू नो। तो वन ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं वन ईयर में, ठीक है। सेकंड नंबर का है वन डे में कितने हावर्स होते हैं, तो 24 hours। वन मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, तो वन मिनट में 60 seconds होते हैं। वन वीक में कितने डेज होते हैं, वो आपको पता है कि वन वीक में कितने डेज होते हैं, 7 days। एंड वन हावर में कितनी मिनट्स होती है, तो वन मिनट में वन हावर में 60 minutes होती है। 60 minutes को हम वन हावर बोल सकते हैं। तो यह आपका है एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो पेज नंबर 36 पर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए उसमें प्रैक्टिस टाइम है, तो वो प्रैक्टिस टाइम हम देखते हैं। क्वेश्चन वन है, तो थ्री फ्रेंड्स रीड टाइम फ्रॉम अ क्लॉक हु इज राइट। तो क्या है कि इन अ फर्स्ट क्लॉक शॉट, वो मैंने चैप्टर में भी आपको बताया, चैप्टर में काउंट करके ही बताया था, बट सेकंड बार देख लो कि इन द फर्स्ट क्लॉक शॉट हैंड और हवर हैंड इज पॉइंटिंग टू थ्री, कहाँ पॉइंटिंग है थ्री, एंड लॉन्ग हैंड और मिनट हैंड पॉइंट टू 12। एक्सरसाइज आप देखते हो, ये वीडियो देखते हो, तो आपको साइड में बुक रखनी है, उसमें पेज नंबर 36 निकाल के प्रैक्टिस टाइम देखना है, तो ही ये समझ में एक्सरसाइज आएगी। तो क्या है कि एंड लॉन्ग हैंड और मिनट हैंड इज पॉइंटिंग टू 12, हैंस द टाइम इज 3। इतने होगा टाइम, कितना होगा 3। इट मीन्स पिंकी इज राइट। कौन कौन था, चीकू, बिट्टू एंड पिंकी, तो उसमें कौन राइट है, पिंकी। इन द सेकंड क्लॉक, चलो सेकंड क्लॉक में क्या है कि इन द सेकंड क्लॉक पिंकी इज राइट। सेकंड क्लॉक में भी पिंकी ही राइट है क्योंकि द क्लॉक इज शोइंग द टाइम, कितना दिखाता है 5:35। एंड इन द थर्ड क्लॉक, चलो थर्ड क्लॉक में भी कौन राइट है, पिंकी ही राइट है, तो इन द थर्ड क्लॉक ऑल्सो पिंकी इज राइट। द क्लॉक इज शोइंग द टाइम, कितना टाइम बताता है, 7:15, ठीक है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि डू यू लाइक द स्काई वॉचिंग, इफ यस देन दिस वन शुड इंटरेस्ट यू। तो ए में क्या है कि एट व्हाट टाइम डज द सनराइज एट योर प्लेस, तो क्या होता है इन आई लाइक इन दिल्ली द सनराइज इज एट 7:40 AM, कब, 7:40 AM। सेकंड नंबर उसमें बी ऑप्शन है,
कि when does the set sunset, तो क्या आएगा, I live at Delhi, the sun sets at 5:30 PM. सी में है कि does the sun rises, क्या है कि does the sun rise set at the same times every day, तो क्या आएगा, no. पेज नंबर 39 पर है क्वेश्चन 3 कि हाउ लॉन्ग डज योर स्कूल असेंबली टेक, तो क्या है कि माई स्कूल असेंबली टेक्स कितने टाइम लेती है, तो 50 मिनट्स. हाउ लॉन्ग इज योर लंच ब्रेक, तो द लंच ब्रेक इन माई स्कूल इज 30 मिनट्स लॉन्ग, कितना लॉन्ग होता है, 30 मिनट्स लॉन्ग. फिफ्थ नंबर का है कि हाउ लॉन्ग इज योर गेम्स पीरियड, गेम्स पीरियड कितना लॉन्ग है, तो द गेम्स पीरियड इज 45 मिनट्स लॉन्ग इन माई स्कूल. सिक्स नंबर का है कि इज इट द सेम एज वेल द अदर पीरियड्स, तो क्या आएगा, यस ऑल अदर पीरियड्स टेक सेम लेंथ ऑफ टाइम. तो सेवंथ नंबर का है कि द गेम्स पीरियड एंड लंच ब्रेक सीम्स वेरी शॉर्ट, तो क्या है, शॉर्ट aren't they, तो क्या आएगा, नो दिस आर नॉट ऑफ इनफ लेंथ, कितनी है, नो दिस आर ऑफ कैसी लेंथ है, इनफ लेंथ. तो पेज नंबर 40 पर जो क्वेश्चन है उसमें एक नंबर का क्वेश्चन है कि हाउ मैनी मिनट्स कैन दिस एक्टिविटीज टेक, मेक अ गैस एंड देन चेक एट होम, द बॉइलिंग ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क, 1 लीटर मिल्क को बॉइलिंग करने में कितना टाइम लगता है, तो इट टेक्स अबाउट 5 मिनट्स. बी नंबर का है कि फिलिंग अ बकेट, तो बकेट को फिलिंग करने के लिए कितना टाइम लगता है, तो इट टेक्स अबाउट 2 मिनट. स्वीपिंग यूर रूम, इट टेक्स अबाउट रूम स्वीपिंग करने के लिए कितना टाइम लगता है, तो इट टेक्स अबाउट 3 मिनट्स. चलो एक्टिविटी टाइम है उसमें 9 नंबर का क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन हमने चैप्टर में देखा ही था. 9 नंबर का है कि इन 1 मिनट हाउ मैनी टाइम्स कैन, तो स्नैप योर फिंगर, तो क्या आएगा, 50 टाइम्स. स्कीप और रोप, तो क्या आएगा, 30 टाइम्स. जम्प अप एंड डाउन, तो वो कितने टाइम्स, 40 टाइम्स. एंड ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड्स, तो वो कितने टाइम्स आएगा, 100 टाइम्स. 10 नंबर का क्वेश्चन है कि हियर इज अनदर चैलेंज फॉर यू, इधर आपको अनदर चैलेंज दी है आपके लिए, तो हाउ लॉन्ग कैन यू, तो चलो स्पीक नॉन स्टॉप, कितना नॉन स्टॉप स्पीक कर सकते हो, तो क्या आएगा, 4 मिनट्स. स्टैंड ऑन 1 leg, 1 leg पर कितने मिनट्स तक स्टैंड रह सकते हो, तो क्या आएगा, वो भी 1 मिनट आएगा. सिंग आ विदाउट अ ब्रेक, चलो आ ऐसे सिंग करते हो, तो विदाउट ब्रेक हम कितने टाइम बोल सकते हैं, तो ओनली 1 मिनट. 11 नंबर का क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू, तो चलो ए नंबर में है कि रन अ 50 मीटर रेस, तो 50 मीटर की रेस रन करना है तो कितना टाइम लगता है, तो क्या आएगा, 3 मिनट. बी नंबर का है कि कलेक्ट 50 पेबल्स फ्रॉम द ग्राउंड, क्या करना है, ग्राउंड में से क्या कलेक्ट करना है, 50 पेबल्स. तो ग्राउंड पर से 50 पेबल्स कलेक्ट करने में कितना टाइम लगता है, तो क्या आएगा, 2 मिनट. चलो काउंट करना है 1 to 100, तो 1 to 100 काउंट करने में कितना टाइम लगता है, तो 1 मिनट. पेज नंबर 41 है, तो 41 के क्वेश्चन में है कि 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि द मिनट हैंड स्टार्टेड फ्रॉम 2, हाउ मैनी मिनट विल इट टेक टू कम बैक टू 2 अगेन. तो चलो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छे से समझना है कि क्या है कि द मिनट हैंड स्टार्टेड फ्रॉम 2, कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, तो हाउ मैनी मिनट्स विल इट टेक टू कम बैक टू 2 अगेन, फिर से 2 पर आने में कितना टाइम लगता है, तो इट टेक्स अबाउट कितनी मिनट्स, 60 मिनट्स. एज इट मेक्स 1 रोटेशन इन 60 मिनट्स, 60 मिनट्स में वो अगेन यानी कि फिर से 2 पर बैक आता है. 30 नंबर का क्वेश्चन है, 13 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट हैपन्स टू हावर हैंड, डज इट ऑल्सो मूव, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव फ्रॉम 1 नंबर टू द
टैक्स, तो क्या है उसमें? तो उसमें है सी कि स्वीपिंग, सॉरी 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि हवर हैंड शोज हवर इन वॉच। हवर हैंड्स क्या दिखाता है? हवर है जो है वो शोज हवर इन अ वॉच, वॉच में हवर दिखाता है। सो इट्स टेक्स वन हवर टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट वन, में कितना टाइम लगता है वन नंबर से टू द अदर नेक्स्ट वन में? वन हवर मूव होने में लगता है। तो 14 नंबर का क्वेश्चन है कि लुक अराउंड यू एंड लिस्ट द एक्टिविटीज दैट टेक अबाउट वन हवर टू कंप्लीट। तो उसमें क्या है कि लिस्ट ऑफ सम कॉमन एक्टिविटीज विच टेक अबाउट वन हवर टू कंप्लीट। तो ऐसी कॉमन एक्टिविटीज का लिस्ट बनाना है कि वो वन हवर में अबाउट कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट है, कितने हैं टोटल? 5 है। उसमें फर्स्ट देखेंगे क्या है कि गोइंग टू द टेम्पल एंड कमिंग बैक। टेम्पल जाते हैं और कमिंग बैक आते हैं, तो उसमें वन हवर अबाउट लगता है। सेकंड नंबर का है क्लीनिंग ऑफ हाउस। थर्ड नंबर का है कंप्लीटिंग वन स्मॉल चैप्टर ऑफ मैथ। मैथ के स्मॉल चैप्टर कंप्लीटिंग करने के लिए भी वन हवर जितना टाइम लगता है। फोर्थ नंबर का है प्रिपेयरिंग ऑफ ब्रेकफास्ट बाय माय मदर। फिफ्थ नंबर का है कि ड्राइंग अ पिक्चर इन माय ड्राइंग बुक। तो ड्राइंग बुक में पिक्चर बनाने के लिए, ड्राइंग करने के लिए भी कितना टाइम लगता है? तो उसमें भी वन हवर जितना टाइम लगता है। और मेरी मदर ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती है, तो उसमें भी कितना टाइम लगता है? वन हवर जितना।